हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 संस्कृत का जो फाइनल पेपर आना है उसका सिलेबस और मॉल टेस्ट पेपर। तो बच्चों, कल मैंने आपको एग्रीकल्चर, होम साइंस और ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, वोकल म्यूज़िक, ठीक है, तो ये सारे मॉल टेस्ट पेपर आपको बता दिए थे और पैटर्न वगैरह। तो कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि मैम, हमारा तो संस्कृत का पेपर है, तो प्लीज़ आप हमें संस्कृत के बारे में कुछ थोड़ा सा डिस्कस करें। तो बेटा, आज मैं सबसे पहले आपको सिलेबस बता देती हूँ, क्योंकि कई बार मैं मॉडल टेस्ट पेपर डालती हूँ तो बच्चे कहते हैं मैम प्लीज़ सिलेबस बता दो, और जब फिर मैं सिलेबस दे बताती हूँ तो फिर मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में बोलते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए दोनों ही, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस डिस्कस करती हूँ, ठीक है, आपको सिलेबस शो कर दूँगी, और उसके बाद जो पंजाब बोर्ड की तरफ से आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर है उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो बेटा, सबसे पहले आप ये देख सकते हो यहाँ पर जो है आपका सिलेबस है संस्कृत का। तो आपके सबसे पहले 43 जो मार्क्स हैं रिटर्न एग्ज़ाम के हैं, और 2 मार्क्स आपके जो है सुंदर लिखाई के हैं, ठीक है। तो ये सारा आपका टर्म 2 का सिलेबस है, आप यहाँ से जो है देख सकते हो। चैप्टर 15 सुभाषितानी से लेकर जो पाठ 26 है दूरदर्शन तक आपके टोटल 12 प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो इन 12 प्रश्न में से आपको गद्यांश का हिंदी या पंजाबी या अंग्रेजी में अनुवाद, फिर उसके बाद पद्यांश का हिंदी या पंजाबी या अंग्रेजी में अर्थ, या फिर पाठों के अभ्यासों में से हिंदी के प्रश्न, और पुस्तक के अभ्यास में से आपके आएंगे रिक्त स्थान, ब्लैंक्स वगैरह आएंगे, और पाठों के अभ्यास में से संस्कृत शब्दों की हिंदी आएगी, ठीक है। अवयवों का वाक्यों में प्रयोग आएगा, या फिर उसमें क्या चॉइस आएगी आपको, हिंदी सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। धातु रूप आएगी आपको केवल लंग लकार आएगी, ठीक है, या फिर लट लकार, ठीक है। स्त्री प्रत्यय में प्रयोग केवल आ और ई का प्रयोग, संख्यावाची शब्द में केवल प्रथमा विभक्ति 30 से 50 तक, उसके बाद आपकी सुंदर लिखाई, ठीक है। तो ये आपका पंजाब एजुकेशन बोर्ड की तरफ से जो आपका सिलेबस है वो मैंने आपको क्लास 8 का जो है बता दिया, ठीक है। अब जो आपका मॉल टेस्ट पेपर है ना वो मैं आपको शो करती हूँ, ठीक है। तो बच्चों, ये आपका मॉल टेस्ट पेपर है संस्कृत का कक्षा 8वीं टर्म 2, जिसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। सेम वही चीज़ जो हमने अभी डिस्कस की थी, 43 मार्क्स के आपके जो है लिखने का काम होगा, और 2 मार्क्स जो है आपके सुंदर लिखाई पे होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रश्न पत्र में केवल 10 प्रश्न होंगे, और सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य होगा। और यहाँ पर देखो इस तरीके से, सबसे पहले आपको क्या आएगा, यहाँ पर गद्यांश आएगा जिसका हिंदी, पंजाबी या अंग्रेजी में अनुवाद करना होगा। यहाँ पर 2 आएंगे, इसमें से आपको कोई 1 करना होगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट यहाँ से है प्रसंग, यहाँ सेम ऐसे ही 2 प्रसंग आएंगे, इनमें से आपको 1 प्रसंग करना है, इसका हिंदी में या फिर पंजाबी में लिखना है। और बेटा, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, 3 के उत्तर देने हैं आपने इसमें से, ठीक है। यहाँ पर कितने प्रश्न दिए हुए हैं देख लेते हैं, यहाँ पर 5 प्रश्न दिए हुए हैं, इसमें से आपको 3 के उत्तर देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये रिक्त स्थान, रिक्त स्थान भी आपको 1 यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6 दिए हुए हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 4 सॉल्व करना है, 2 आपके चॉइस में निकल जाएंगे। उसके बाद 5th क्वेश्चन है संस्कृत शब्दों का हिंदी में सरल करना है, ये भी 4, इसमें भी आपके चॉइस हैं। आगे आपका 5 अवयवों का संस्कृत में वाक्यों में प्रयोग करना है, इसमें भी आपके काफ़ी चॉइस है, या फिर आपको ये जो सेंटेंस दिए हैं इसको आपने क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है, ठीक है। उसके बाद आपको विभक्ति आएगी, वचन, ठीक है, धातुओं में किन्हीं 5 उचित वचन लगाकर पुरुष को पूर्ण करना है आपने। तो ये यहाँ पर इस तरीके से आपको वो आधा आएगा, और आधे में आप खाली जगह होगी, तो आपने विभक्ति को क्या करना है, पूरा करना है। उसके बाद आपका आएगा 4 के किसी स्त्री प्रत्यय लगाने हैं इनमें से, ठीक है, हाँ, मतलब हर क्वेश्चन में आपको चॉइस है। उसके बाद जो संख्या दी हुई है इस शब्दों को आपने संस्कृत में लिखना है, और लास्ट 2 मार्क्स की आपकी क्या होगी, लिखाई। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।